हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों गलती से डिलीट हुए फोटो को दोस्तों वापस कैसे ले आते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके फोन के अंदर कोई फोटो है, वीडियो है, दोस्तों वो गलती से डिलीट हो जाता है, या फिर दोस्तों आपके घर परिवार के बच्चे जानबूझकर या फिर दोस्तों गलती से डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आप उसे रिकवर करना चाहते हो, आप दोस्तों उसे दोबारा से अपने फोन के अंदर वापस ले आना चाहते हो, तो दोस्तों क्या करना होगा आपको और दोस्तों कैसे आएगा। दोस्तों वो यदि आपका फोटो 2 साल पहले डिलीट हुआ हो, 5 साल पहले, 2 दिन पहले, या फिर दोस्तों 10 साल पहले, दोस्तों 2 दिन पहले डिलीट हुआ हो उसका क्या तरीका है, 5 साल पहले दोस्तों डिलीट हुआ है उसे लाने का क्या तरीका है, मैं दोस्तों सारा चीजें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल और दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना और दोस्तों वीडियो देखने के बाद अप्लाई करना। यदि आपको फायदा मिले, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले दोस्तों यदि आपके फोन के अंदर कोई सा भी दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फोटो है, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, या फिर दोस्तों कोई सा वीडियो ही हो, यहाँ पे दोस्तों मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप करते क्या हो, कुछ दिन बाद आपको याद आता है कि ये फोटो तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इसे रिकवर करने के लिए आप दोस्तों क्या करते हो, प्ले स्टोर के अंदर जाते हो, दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर जाते हो और दोस्तों यहाँ पे लिखते हो रिकवर फोटो। यहाँ पे इस तरह से आप लिख देते हो रिकवर फोटो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी आप लोगों की तरह रिकवर फोटो लिख के दोस्तों सर्च कर देता हूँ, या फिर आप ये लिखोगे रिकवर डिलीट फोटो। इस तरह से यदि आप कुछ भी लिख के सर्च करते हो तो दोस्तों आपके सामने इतनी सारी तमाम दोस्तों एप्लीकेशन आ जाएंगी। बट दोस्तों आप लोगों ने ट्राई किया होगा, दोस्तों वो क्या करती है कि एप्लीकेशन दोस्तों जब भी आप यूज करते हो तो दोस्तों यहाँ पे जब दोस्तों इसे इंस्टॉल करके किसी भी एप्लीकेशन को दोस्तों इसके अंदर ओपन करते हो तो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद देख सकते हो दोस्तों इसकी 10 मिलियन डाउनलोडिंग है। बट दोस्तों आपको मिलेगा क्या, घंटा। फोटो के नाम पर दोस्तों आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये बिल्कुल भी रिकवर करके नहीं देगा। दोस्तों आपके फोन के अंदर जो फोटो होते हैं ना, बस उसे ही आपको दिखाएगा और दोस्तों उसमें 2-4-5-10 हजार फोटो दिखा देगा। आप ढूंढते रहिए 2-3 दिन तक ढूंढते रहिए, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब फालतू का ऐप है, इसके अंदर कोई सा भी आपको फोटो और वीडियो रिकवर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। चारों तरीके आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो तरीका आपको यहां पे, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों करके अप्लाई करना है। आपका दोस्तों फोटो को रिकवर करने में, डिलीट फोटो वीडियो को रिकवर करने में काफी दोस्तों हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आजकल के किसी भी फोन में दोस्तों 2 ऐप होते ही हैं। यहां पे आप देखोगे ये एक आपके हैंडसेट के अंदर दोस्तों जो फोटो गैलरी होता है वो होता है, और दोस्तों एक जो फोटो होता है ना ऐप, यहाँ पे फोटोस करके, यहाँ पे ये दोस्तों गूगल का होता है। तो दोस्तों ये हम दोनों ही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे यदि इसके अंदर दोस्तों कोई सा भी फोटो वीडियो डिलीट होता है गैलरी से, यदि आपकी गैलरी से, दोस्तों सबसे पहले मैं इस फोटो को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। यदि दोस्तों आपके फोन से, यदि इस ऐप से, इस गैलरी से कोई सा भी फोटो वीडियो डिलीट होता है तो दोस्तों आपको कहाँ ढूंढने हैं। और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये चीजें आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एल्बम का बटन है, यहाँ पे एल्बम का, इसके अंदर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड, यानी कि यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कुछ दिन पहले का डिलीट फोटो वीडियो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कई सारे फोटो वीडियो को यहाँ पे डिलीट किया है। दोस्तों यदि आप इसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, रिस्टोर और डिलीट। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा भी है, आप यहाँ पे जो कि देखोगे, यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे तो सब पे 30 डेज 30 डेज, यानी कि 30 डेज लिखा है। ये क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये जो फोटो है ना 30 दिनों तक यहाँ पे रहने वाला है। 30 दिन बाद दोस्तों यहाँ से ये खुद ही डिसअपीयर हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यदि 30 दिनों के भीतर यदि आपने इसको रिकवर कर लिया, यहाँ से रिस्टोर कर लिया, तो दोस्तों ये वापस से आपके फोन के अंदर रिस्टोर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 30 दिन के बाद यहाँ पे रिस्टोर करोगे तो ये मिलेगा ही नहीं, परमानेंट डिलीट हो चुका होगा। अब यहाँ पे पहला तरीका ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, वो चीजें ध्यान से देखना। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि ये जो गूगल फोटो वाला ऐप है ना, फोटोस, यहाँ पे तो दोस्तों इसके अंदर भी आपने जो भी फोटो वगैरह डिलीट किए होंगे दोस्तों वो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। लाइब्रेरी के अंदर आपको क्लिक करने हैं, क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रैश के अंदर जाने हैं, और यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि बैकड अप आइटम विल बी परमानेंटली डिलीट आफ्टर 60 डेज इन ट्रैश। यदि आपने बैकअप
इस फोटो का लिया है तो 60 दिनों के बाद यहां से फोटो डिलीट होगा, और यदि आपने बैकअप नहीं लिया है तो 30 दिन के बाद यहां से फोटो ये गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये आपको बता रहा है, यदि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहां से भी दोस्तों ये जो फोटो है ना, 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर आप यहां पे रिकवर कर सकते हो। पहला तरीका आपको मैंने बता दिया, यहां से आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूं। यहां पे लॉन्ग प्रेस किया, यहां पे सेलेक्ट किया तो दोस्तों यहां पे डिलीट और यहां पे रीस्टोर का बटन मिलता है। चलिए मैं इसे रीस्टोर कर लेता हूं। वापस से दोस्तों ये उसी अपने लोकेशन पे ये फोटो पहुंच चुका है जहां से मैंने इसे डिलीट किया था। अब यहां पे दोस्तों जो तीसरा तरीका है, यानी कि आपको 5 साल पहले का, 10 साल पहले का फोटो चाहिए तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई सी भी एप्लीकेशन ये आपका फोटो रिकवर करके नहीं देने वाली है। जो भी मैंने आपको यहां पे दिखाया, जो भी आपको दोस्तों यहां पे मैंने एप्लीकेशन को सर्च करके दिखाया, यहां पे दोस्तों ये एप्लीकेशन कोई भी आपके 2 साल पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले या फिर दोस्तों 2 साल पहले कभी का ये फोटो रिकवर करके नहीं देगा। तो ये दोस्तों फोटो आपको कहां से मिलेगा? तो दोस्तों ये फोटो तो रिकवर होता ही है, वीडियो भी रिकवर होता है, पूरा आपके फोन का डेटा रिकवर हो सकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे रिकवर होता है, बट दोस्तों उसके लिए पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि दोस्तों पैसे से खरीदे जाते हैं। वो दोस्तों आपके फोन के अंदर नहीं काम करेंगे, वो आपके दोस्तों लैपटॉप में कनेक्ट किया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल किया जाता है, पैसे लगते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों आपके फोन को डाटा केबल से कनेक्ट करके दोस्तों आपके फोटो वीडियो को रिकवर करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप उतना पैसे खर्च करना चाहते हो तो दोस्तों कोई सा भी इंटरनेट पर सर्च करके पेड सॉफ्टवेयर को दोस्तों खरीद कर और अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो फोटो वीडियो को। तीसरा मैंने तरीका आपको ये सलाह के रूप में बताया। चौथा तरीका, यदि आप ये चाहते हो कि दोस्तों मेरे फोन के अंदर आज के बाद कभी भी कोई फोटो वीडियो डिलीट हो तो मैं उसे कभी भी रिकवर कर सकूं, लाइफ टाइम के लिए दोस्तों कभी भी रिकवर कर सकूं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी रिकवर कर सकूं, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने फोन के अंदर एक सेटिंग ऑन करनी है जो कि मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसे ऑन करने के लिए दोस्तों आपको यहां पे ये जो फोटो है ना, गूगल का फोटो, ये ऐप दोस्तों ओपन करना। यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे जो जीमेल होता है ना दोस्तों, आपके फोन के अंदर जो जीमेल होता है, यहाँ पे दोस्तों इसका एक लोगो दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बैकअप का दोस्तों ऑप्शन मिलेगा जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या काम करना है, 3 डॉट मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बैकअप सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका ये जो बैकअप ऑफ होगा यदि, तो दोस्तों आज के बाद आप इसे ऑन कर दो, आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। क्योंकि बाद में रोते हो कि मेरा फोटो वीडियो रिकवर नहीं हुआ, इसीलिए रिकवर नहीं होता है। अभी भी दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों आपका जो फोटो वीडियो है ना 30 दिन के अंदर डिलीट हुआ हो तो 2 तरीके मैंने आपको बताया, वहां से रिकवर कर लेना। यदि लाइफ टाइम का फोटो यदि आपको रिकवर करना है तो दोस्तों आज से ये काम करेगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों आज से ये वर्क स्टार्ट होगा। यहां से यदि आप इसे ऑन करोगे तो ही ये स्टार्ट होगा। यहां से यदि आपने स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों ये जो आपका फोटो वीडियो है ना, जो भी आपके फोन के अंदर कोई अच्छा फोटो होगा, जो खराब फोटो होंगे उसे हमेशा आप डिलीट करते रहना, जो अच्छे अच्छे फोटो हो वो दोस्तों आपको यहां पे करना क्या है कि आपको यहां पे फिर से मैं एक बार बैक करता हूं, बैक करके दिखाता हूं। सेटिंग तो आपने ऑन कर ही दिया, यहां पे जाना, और यहां पे जाने के बाद दोस्तों आप यहां पे लाइब्रेरी पे क्लिक करना चाहे दोस्तों, या सीधा आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना। यहां पे जाके दोस्तों बैकअप के अंदर जाना, और यहां पे जिन फोटो को दोस्तों बैकअप करना है, आप चाहते हो कि ये फोटो मेरे को काम आए, हमेशा कभी भी काम आ सकता है, तो दोस्तों आप यहां पे इसे दोस्तों ये जो क्लाउड वाला बटन है ना, आप यहां पे दोस्तों इस तरह से इसे सेलेक्ट करना। देख सकते हो आपके सामने ये अपलोड हो रहा है। दोस्तों ये अपलोड होने के बाद ये जो फोटो है ना, कभी भी जिंदगी में दोस्तों आपको काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो दोस्तों आप इसे रिकवर कर सकते हो। इतना दोस्तों पावरफुल ये फीचर्स है जो कि आपके फोन के अंदर दिया गया है, बट दोस्तों आपको सही से यूज करने नहीं आता है, और दोस्तों आप वीडियो सर्च करते हो कि हाउ टू डिलीट फोटो रिकवर, या फिर दोस्तों डिलीट फोटो को वापस कैसे ले आए। आप दोस्तों बहुत सारी वीडियो देखते हो और बोलते हो कि वर्क नहीं कर रहा है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, समझते नहीं हो। मैंने इससे पहले भी दोस्तों मेरी एक वीडियो वायरल है इस टॉपिक के ऊपर, 4 लाख यानी कि दोस्तों उसके अंदर काफी सारे व्यूज आ रहे हैं, तो दोस्तों उसके अंदर भी मैंने ये चीजें बताया है। बट दोस्तों क्या है ना कि वो लोग 1 मिनट के अंदर वीडियो देख के निकल जाते हैं, पूरा देखते और समझते ही नहीं है कि मैं क्या इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं। मैंने तो आपको सारे ही ऑप्शन बता दिए कि 30 दिन के अंदर का आपका फोटो वीडियो कैसे रिकवर होगा, और दोस्तों पूरे लाइफ टाइम का फोटो वीडियो कैसे रिकवर होगा। दोस्तों गलती करने के बाद ही बंदा सीखता है, तो दोस्तों यदि आपसे ये गलती हो चुकी है तो आप इसे
अभी से ऑन करना होगा, तभी दोस्तों आप इसे रिकवर कर पाओगे अपने डिलीट फोटो वीडियो को। दोस्तों मैंने आपको, यदि आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारा इमरजेंसी, कोई ऐसा अर्जेंट, बहुत क्रिटिकल कोई डॉक्यूमेंट फोटो वीडियो डिलीट हो चुका है, तो दोस्तों उसके लिए तो आपको वही पेड सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे। और बाकी दोस्तों ऐसे नॉर्मल है तो आपको मैंने ये चौथा सेटिंग बता दिया, ऑन कर देना, हमेशा ही आपको फ्री में काम आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग भी होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देख सकते हो कि इसके अंदर जो बैकअप का सेटिंग होता है, इसके अंदर दोस्तों और भी सेटिंग होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं अभी। यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है ना, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे बैकअप की क्वालिटी, जैसे ओरिजिनल क्वालिटी आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, तो इसको आप सेट करना, आपका जो क्वालिटी है ना ओरिजिनल, यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आप सेट कर लेना अपने हिसाब से, जो बेस्ट क्वालिटी होगा वही आपका यहाँ पे दोस्तों अपलोड होगा। तो दोस्तों आई होप कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आप लोगों को दिया है दोस्तों, वो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक जरूर करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने फैमिली परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और न्यू इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।